एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बजे है करीबन सुबह के 6। अभी मैं जा रहा हूँ बाजू के गांव में, जो रामावी भगवान का मंडप है वहाँ पर दर्शन करने के लिए। आज जो मंडप खड़ा होने वाला है तो मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल वहाँ। सुबह हम दो तीन लोग जा रहे हैं बाइक में, तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि रात को ही सब आ गए होंगे, क्योंकि रात को जब मेला घूमने के बाद कई लोग तो वहाँ पर रुक गए होंगे, क्योंकि सुबह का मंडप खड़ा होता है तो उसके दर्शन करने के लिए तो पब्लिक तो भारी मात्रा में होगी। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं और दर्शन करते हैं। सो लेट्स गो। देखो भाई, सुबह का जो माहौल है वो बारिश का हो गया है। ये देखो चारों ओर थोड़े थोड़े बादल हो गए हैं। रात को थोड़ी देर बारिश भी आ गई थी 15-20 मिनट। तो अभी मंडप में कुछ दिक्कत ना है, इसी आशा के साथ चलो जल्दी जाते हैं। गांव का नाम है वो है चिंगरिया, तो चलिए वहां पर मिलते हैं। दोस्तों आज हलचल भी इतनी है हर रोज से ज़्यादा, क्योंकि आज मंडप है तो सब बाइक वगैरह रिक्शा भी ज़्यादा जा रही है। जाती तो होती है रिक्शा भी सुबह रोज़, पर आज जो मंडप है तो आज ज़्यादा जा रही है। देखो वरना सुबह सुबह 6 बजे इतनी बाइक वगैरह रिक्शा वगैरह थोड़ी जाती है, आज मंडप है तो सब वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों जो गांव है वो छोटा सा है, उसके रास्ते छोटे से हैं, तो उसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी हो गया था थोड़ा सा। कोई चलकर जा रहा होता है, कोई अपने व्हीकल्स में जा रहा होता है, तो उसके कारण थोड़ा ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो जाने में भी थोड़ी देर लग जाती है वहाँ पहुँचने में। तो हम थोड़ी देर बाद ट्रैफिक से निकल कर वहाँ पर पहुँच गए। जैसे कि आप देख रहे हैं, बारिश का माहौल तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, जैसे मानसून का सीजन चल रहा हो। तो अभी आप देख सकते हैं सामने काले काले घने घने बादल बहुत से छाए हुए हैं। तो भाई हम पहुंच तो चुके हैं, देखो सामने मंडप है। बारिश की वजह से देखो यहाँ पर कीचड़ हो चुका, उसके कारण थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है पहुंचने में। सामने देखिए आप, बहुत बारिश वाला मौसम हो गया, मानसून जैसा लग रहा है, मानसून सीजन ना चल रही हो, उस बाजू बहुत बारिश जैसा है। तो भाई हम एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँच गए, पर वहाँ बहुत कीचड़ था क्योंकि थोड़ी बारिश पहले ही आ चुकी थी, थोड़ी पब्लिक भी कम दिख रही थी इस बारिश के कारण। थोड़ा तो असर होता ही है ना बारिश का, तो पब्लिक भी थोड़ी कम दिख रही थी। तो मंडप भी टाइम के 15 से 20 मिनट पहले ही खड़ा हो गया और मंडप के दर्शन हो गए। Yeah.
जो आपको सामने दिख रहा है वो है राइड्स वाला एरिया, एंजॉयमेंट वाला एरिया। वहाँ पर थोड़ी सी राइड्स दी गई है। अभी माहौल उसका डाउन है क्योंकि थोड़ी सी बारिश आ गई थी पहले। तो दोस्तों मंडप के दर्शन होने के बाद पब्लिक अपने घर जाने को निकल गई थी क्योंकि फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। देखिए अभी आप देख रहे हैं कोई कोई लोग थोड़े थोड़े दौड़ कर जा रहा है क्योंकि थोड़ा कीचड़ भी पैर में था। अगर ज़्यादा बारिश आ जाए तो पैर भी यहाँ पर चुभ जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो जो अपने व्हीकल्स अंदर खेत में लाए हुए थे वो सब चुभ गए थे। उसको निकालने में बहुत दिक्कत हुई थी, वहाँ पर बहुत कीचड़ हो गया था क्योंकि दूसरी बार भी वहाँ पर बारिश आई थी। तो मंडप में बारिश की थोड़ी दिक्कत रही पर भगवान रामदेव पीर की कृपा से मंडप के अच्छे से दर्शन हो गए तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाद में घर पर जाते वक्त भी हमको बारिश सहनी पड़ी। हम बाद में रास्ते में भी भीग गए थे पर दर्शन अच्छे से हो गए, वो भगवान रामदेव पीर की अच्छी सी कृपा हो गई। बस आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।